चित्तौड़, मेवाड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी भी विदेशियों से संबंध नहीं जोड़ा, वरन सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनसे लोहा लेते रहे और अपने सिर को ऊंचा उठाए रखा। इस देश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और बलिदान की गाथाएं भारत के बच्चे बच्चे के हृदय पर अंकित हैं। ऐसी ही एक त्यागमयी देशभक्त हुई थी धाय पन्ना, जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो चुका था। उनका पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। उसके भाई उदय सिंह को राजा बनाया गया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को उसका संरक्षक बनाया गया। किंतु बनवीर के मन में पाप आ गया। वह उदय सिंह को मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। इस विचार से उसने विक्रमादित्य को मार दिया और उदय सिंह को मारने के लिए महल की ओर रवाना हुआ। किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धाय पन्ना को लग गया। पन्ना का एक पुत्र था जो उदय सिंह की ही आयु का था। राजवंश को बचाने के लिए पन्ना अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। उसने झटपट एक विश्वासी नौकर के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया। उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने पुत्र को पहना दिए और उसे उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। क्रूर बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा और उदय सिंह के बारे में पूछा। पन्ना ने बिना हिचकिचाहट पलंग की ओर संकेत कर दिया। उसकी नजरों के सामने बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पन्ना से कहा कि इसके शव को जला दो। पन्ना के मुख से एक आह तक ना निकली। वह वीर धाय माता अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे के शव को हृदय से लगाए महल के बाहर आ गई। अपने हाथों से उसने उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई। उदय सिंह को लेकर वह कई जगह गई, परंतु किसी ने भी बनवीर के डर से उसे आश्रय नहीं दिया। अंत में वह सरदार आशा शाह के पास गई। उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता। 16 वर्ष बाद चित्तौड़ की जनता को पता चला कि उदय सिंह जीवित हैं। उसी समय उन्हें लाकर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया गया। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता धाय पन्ना को राज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक पन्ना जीवित रही, उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूलि को ग्रहण करता रहा और उसकी प्रत्येक इच्छा को भगवान की आज्ञा मानकर पूरी करता रहा। चित्तौड़ निवासी आज भी इस अनोखे रिश्ते की सराहना करते नहीं।